भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर अब मुंबई में मुंबई न्याय यात्रा, मुंबई जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। आज से इसकी शुरुआत हुई है, जिसकी अगुवाई कर रही हैं मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ जी। मैडम, इसका उद्देश्य क्या है? आपने आज इस यात्रा की शुरुआत की है और इसका कितना फायदा मिलने वाला है और जनता की बातें आप तक आने वाली हैं? देखिए, हमने जो शुरू की है मुंबई न्याय यात्रा, इसकी शुरुआत आज मुंबा देवी के दर्शन करके हमने की है। और इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों से जो उनकी समस्या है उनके ऊपर बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई में हर जो कर देता है वो मुंबई में, चाहे वो GST हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें सबसे ज्यादा पैसा मुंबई भरता है। और ऐसे समय में मुंबई का जो पैसा है जो विकास निधि के नाम पे सत्ताधारी लोगों के पास जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो हम मुंबई की समस्याओं को और मुंबई के लोगों की आवाज को जो है वो उजागर करने का काम करेंगे और उनके हक और न्याय के लिए लड़ेंगे। लड़नार, भिड़नार और झिंगणार, ये हमारा नारा है। तो हम इसमें लड़ने का काम करेंगे। आज मुंबई की हालत ये है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, रेलवे की समस्या है, साथ ही साथ में लाडला मित्र योजना के माध्यम से फिर बाद में ये जमीनें जो जा रही है, जो आपको मालूम है गरीब आदमी को घर लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज मौके मौके की जमीन को जो है वो 10% और 15% और 20% के रेडनर के नाम पे जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जा रहा है। एक उद्योगपति को तो मुंबई के आधे से ज्यादा जमीन देने का काम चल रहा है, प्रोजेक्ट देने का काम चल रहा है। तो इसके खिलाफ हम आवाज उठा के काम करेंगे और मुंबई के हर आदमी की जो एक अच्छा घर मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इस सारी समस्या को जो है न्याय कैसे थे, इसलिए हमने देश की आर्थिक राजधानी को क्या वास्तव में न्याय की जरूरत है और ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, भ्रष्टाचार यहाँ पर है, यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, निधि का भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया, मैंने नाम भी बताया, कप परेड के रस्ते का बताया। वहाँ कप परेड आज गई थी, क्या देखा आपने? बिल्कुल, आप अगर मेरा ट्विटर देखोगे तो रस्ते देखे मैंने, जिस तरह से रस्तों की हालत है। और मेरा, आप जो पूछ रहे भ्रष्टाचार है कि नहीं, तो आप देखिए सीमेंट कंक्रीट के रस्तों के लिए 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट निकला, काम हुआ मुंबई में? मुंबई कर से पूछिए। बीच में बारिश गिर गई, नाले सफाई की बात की, करोड़ रुपया गया, नाले सफाई हो गई, मुंबई में पूरा पानी भर गया। आपको मालूम है कि मुंबई में आज रस्तों की समस्या है कि हर जगह पे पॉट होल लगे हैं, पॉट होल पड़े, खड्डे पड़े। तो हमारा सवाल ये है कि मुंबई को अच्छी जिंदगी, अस्पताल की हालत देखी आपने, रेलवे की सुविधाएं देखी आपने? तो जब हम इतना पैसा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो इसके लिए हम न्याय की गुहार लगाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। और हर दिन हमारे जो लोग हैं, मीडिया के लोग, आपको हर दिन शाम को बैठ के क्या क्या समस्या हमने देखी उसको हम आपको ब्रीफ करेंगे। तो ये थी वर्षा गायकवाड़। उनका कहना है कि जिस तरह से देश की आर्थिक राजधानी को न्याय की जरूरत है, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पे है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो निधि पास हुई है, फंड पास हुए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम उन जगहों तक जाएंगे, उसे देखेंगे, जनता से बात करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। यही कांग्रेस का जो मुंबई न्याय यात्रा है, इसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। और मुंबई में भी कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसी तर्ज पर मुंबई जोड़ो यात्रा को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज, मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।